कोरोना के कोहराम को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मार्च के महीने के बाद यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर श्रद्धालुओं की जाने की अनुमति नहीं है। पाबंदी से लग गई और कहीं ना कहीं मायूस चेहरे हमें देखने को मिले, लेकिन आज एक अलग मुस्कान है, राहत की सांस है, क्योंकि प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने 16 अगस्त का समय निर्धारित किया कि जिस दिन श्रद्धालु मंदिरों में आ सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं और तांता जो है लगना जो है शुरू हो सकता है। लेकिन हाँ, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। काफ़ी ज़्यादा बदलाव जो है हमने देखे और अभी तस्वीरों में दिखाऊंगी किस तरह से यहाँ पर सर्कल्स जो हैं वो बना दिए गए हैं, जिससे श्रद्धालु जो है इन सर्कल्स में रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इसी तरह से अगर हम कहें तो मंदिर को एक अलग रूप भी जो है यहाँ पर दिया गया है। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से आप होकर गुजरते थे और इसी द्वार के माध्यम से, जिसका इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से था कि ये द्वार जो है वो कब खुलेगा, आज खुल चुका है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रुझान जो है भक्तों का, श्रद्धालुओं का माता वैष्णो देवी श्राइन में रहता है। तो एक आकृति जम्मू के बावे वाले माता के मंदिर में भी बनाई गई है कि अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कितने पड़ाव हैं वैष्णो देवी की यात्रा में और किस तरह से त्रिकुटा पर्वत में समाई है माँ वैष्णो देवी। मंदिर जो है जम्मू में यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर आप बावे वाली माता के दर्शन करने के बाद भी जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कारीगरी की गई है और कलाकृतियों के माध्यम से जम्मू की खूबसूरती भी दिखाई गई है और साथ ही साथ प्रकृति के साथ जिस तरह से मंदिरों का एक मेल जो है वो दिखाया गया है, वो अद्भुत नज़ारा अभी आपके सामने है कि ये जो दृश्य भी हम दिखा रहे हैं ये रघुनाथ मंदिर का है। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। से आज आपको बता रहे हैं कि किस तरह के बदलाव आप देखने वाले हैं बावे वाला माता के मंदिर में और अभी तस्वीरें दिखाऊंगी तो मेक इन इंडिया का नारा यहाँ पर भी बुलंद हो रहा है। स्वच्छ हाथ है और स्वस्थ भारत है, इस नारे को भी बुलंद किया जा रहा है। इसी तरह से जो सेंसर होते हैं, इस तरह से आप अपने हाथ यहाँ पर रखेंगे और इसी तरह से सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जाएगा और उसके बाद अगर आगे की प्रक्रिया बताओ तो इस तरह से थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से आपका जो टेम्परेचर है वो नोट किया जाएगा। लेकिन वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है कि काफ़ी लंबे समय से तमाम श्रद्धालु ये कह रहे थे कि कब हम माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर आएंगे और अब जो है 16 अगस्त का समय प्रशासन की तरफ से निर्धारित कर दिया गया, लेकिन बचाव जो है करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रसाद के लिए बहुत अहम सवाल सब लोग कर रहे थे कि प्रसाद आखिरकार क्या चढ़ाया जाएगा नहीं चढ़ाया जाएगा। तो जो व्यक्ति प्रसाद लेकर आ रहे हैं इसी तरह से यहाँ पर चुनरी जो है रखी जाएगी, प्रसाद यहाँ पर रखा जाएगा, जिससे फिजिकल जो टच है जिसका एक संदेह यहाँ पर बरकरार था वो भी यहाँ पर उसमें जो है कहीं ना कहीं फिजिकल टच नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और साथ ही इसी तरह से थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर कर दी गई है। और आगे की अगर मैं दृश्य दिखाऊँ तो यहाँ पर सैनिटाइजेशन टनल के माध्यम से पूरी तरह से प्रबंध किए गए हैं जिससे आप कोरोना के इस काल से अपना बचाव कर सकें। तो प्रवेश करवाती हूँ, लंबा इंतज़ार आपका ख़त्म होता है। देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, उसके बाद हाथों को सैनिटाइज किया, फिर थर्मल स्क्रीनिंग हुई और अभी सैनिटाइजेशन टनल से गुजरते हुए आप इसी तरह से अंदर जो है प्रवेश करेंगे और जो लंबा इंतज़ार आपका ख़त्म होता है। इसी तरह से प्रवेश द्वार है और ये आपके सामने वो अद्भुत नज़ारा, वो दृश्य जिसका आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि माँ की उपासना करनी है और मंदिर के कपाट जो थे वो बंद हो चुके थे। तो ये सामने दृश्य है और मैं चाहती हूँ कि तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो आस्था रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं, बिल्कुल आप दर्शन कर लीजिए, क्योंकि श्री न्यूज़ की टीम यहाँ पर आई है ताकि आप घर बैठे दर्शन कर सकें और माँ से मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सके। कोरोना का कोहराम काफ़ी भयंकर था और इसका असर मंदिरों पर भी देखने को मिला। जम्मू वासियों की बात की जाए तो बहुत बड़ी मांग थी कि आखिरकार मंदिर कब खुलेंगे, लेकिन आपके सामने दृश्य हैं और ये दृश्य अद्भुत दृश्य है क्योंकि लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ है और ईश्वर की उपासना करने के लिए इसी तरह से हम कहते हैं कि अगर कोई भी विघ्न आता है, कोई भी विपदा आती है तो एक ईश्वर ही सहारा बनते हैं
और अब सब जान चुके हैं कि मंदिर के कपाट खोलने होंगे, क्योंकि आखिरी जो विकल्प है, जो सहारा है, वो ईश्वर है। देखिए श्रद्धालुओं की जिस तरह से मैं बात कर रही थी, यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। और अब ज़्यादातर हमने लोग ऐसे देखे, आंखों में आंसू थे, क्योंकि जो दर्शन है काफ़ी लंबे समय के बाद हुए हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर मंगलवार को आते थे, और उस दिन कहते हैं कि माता रानी का एक दिन होता है। संडे को यहाँ पर भंडारा होता था, लेकिन इस समय ना भंडारा होगा, लेकिन हाँ दर्शन जो है आप कर सकते हैं। प्रसाद की बात करूँ तो अब यहाँ पर प्रसाद भी चढ़ाते थे, लेकिन फिलहाल बाहर एक यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है जिससे आप प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि फिजिकल टच का जो संदेह था वो बरकरार था, उसके माध्यम से अब आप बाहर ही चुनरी रख सकते हैं। तो ये आपके सामने दृश्य चाहते हैं कि आप भी एक बार दीदार कर लें, एक बार आप भी यहाँ पर दर्शन कर लें, जिसका इंतज़ार आपको था, क्योंकि एक बावी वाली माता ही है जो जम्मू वासियों को हर एक विघ्न से बचाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये प्रमाणित है, ये हमेशा हम देखते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी विघ्न आता है, तो अगर वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, वो यही कहते हैं कि बावी वाली माता से मन्नत मांग लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यही एकमात्र विकल्प था, और प्रशासन ने बखूबी समझा है, जिसके बाद हम ये कहीं ना कहीं उम्मीद रखेंगे कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं ईश्वर की उपासना के लिए, वो अपना बचाव भी करें, और यहाँ पर जो पुजारी हैं वो भी अपना बचाव करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रशासन की तरफ से दिए गए तमाम दिशा निर्देशों का पालन भी करें। बावे वाली माता के दर्शन कर लिए हैं, अब आगे भी कुछ मंदिर हैं आपको दिखाएंगे। प्रवेश द्वार इनके भी खुल चुके हैं, कपाट लंबे समय से बंद थे। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो देखिए सामने, आपके सामने दृश्य है कि किस तरह से ये भव्य मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया, और श्रद्धालुओं की काफ़ी आस्था यहाँ से जुड़ी है। आपको एक मूर्ति दिख रही है, एक तस्वीर दिख रही है, ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की है, और शेषनाग पर ये विराजमान है। और ये भव्यता अगर मैं कहूँ तो मंदिरों के शहर जम्मू में ही देखने को मिलती है। लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ, आगे लेकर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं कि बावे वाली माता के मंदिर के साथ साथ विभिन्न मंदिर जो हैं इसी तरह से यहाँ पर है। देखिए ये भी एक दृश्य है जो अलग है। पहले आप बिल्कुल यहाँ पर छूते थे और घंटी बजाते थे, लेकिन इस समय इसको बिल्कुल सा ढक दिया गया है और इसको कपड़ा सा ऊपर लगा दिया गया है। यहाँ पर अगर हम कहें तो राधा कृष्ण जी का मंदिर आपको तस्वीरों में नज़र आता है। अगर सामने अगर हम आपको दिखाएं, बाबा लाल जी आपको तस्वीरों में नज़र आते हैं, वैष्णो देवी आपको नज़र आती है, और इसी तरह से अलग अलग मूर्तियाँ यहाँ पर गढ़ी गई हैं और ईश्वर की उपासना करने वाले। और यहाँ पर अगर हम कहें तो एक अलग दृश्य ये है कि अमूमन आपको जम्मू के मंदिरों में पंचमुखी हनुमान जी नहीं मिलते हैं, लेकिन बावे वाली माता के मंदिर के सामने जो एक मंदिर है, यहाँ पर आप दर्शन कर लीजिए कि पंचमुखी हनुमान जी। और कहते हैं कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इनके साथ जिक्र कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, जिसके बाद ईश्वर का आशीर्वाद जो है प्राप्त होता है। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं, और मंदिर तो खुले हैं लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मैं आपको लेकर चलूँगी। देखिए ये भी एक तस्वीर है, ये दिखाती है किस तरह से भव्यता है बावे वाली माता की। और सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो देवी महाकाली जी का शयन कक्ष माना जाता है, और यहाँ पर अगर हम कहें तो रात को 10 बजे माँ की पूजा होती है, उसके बाद जो है यहाँ पर माता जो है शयन करती है। मार्च के महीने के बाद आज ये मंदिर खुला है, श्रद्धालु आपके सामने। सभी भक्तों को जय माता की और हार्दिक शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। आज बहुत ही हर्ष का दिन है कि सब भक्तों के लिए माँ भगवती ने अपने दरबार खोल दिए हैं। तो सबसे यही निवेदन है कि वे आप आइए, क्रमशः आइए, लाइन में आइए, और नियमों का पालन करके आइए, माँ भगवती का आशीर्वाद भी प्रदान करिए, और साथ में अपना भी ध्यान रखिए। प्रिकॉशन लेकर आइए, ग्लव्स पहन कर आइए, और सिर में भी कुछ ढक कर आइए, साथ में ये जो मास्क है ये जरूरी है सैनिटाइज करने के लिए, यहाँ पर भी महंत जी द्वारा व्यवस्था की गई है। बाकी अपना भी हो सके तो कुछ लेकर आइए, साथ में जो चप्पल हो गया, मोबाइल हो गया, या पर्स हो गया, ये चीज़ें हैं ये अपने घर में ही रख लें या अपनी गाड़ी में रखें, अंदर आने के लिए उनको अलाउ नहीं है। 60 साल से ऊपर हो गया या 10 साल से नीचे, इनके लिए भी अलाउड नहीं है। और बाकी जानकारी आप सब भक्तों को है ही है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का। मूर्ति हम छू नहीं सकते, लेकिन साथ ही साथ प्रसाद अगर कोई लेकर आता है तो उसकी किस तरह की व्यवस्था? देखिए मूर्ति छूने का प्रावधान तो पहले भी नहीं था, परंतु ये है कि कुछ भक्तजन जो है समीप मूर्ति होती थी उसको हाथ लगा लेते थे। तो रही प्रसाद, तो देखिए फूल कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, प्रसाद कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो उनमें थोड़ा सा हमें सचेत रहना चाहिए।
और जो आ रहे हैं अगर किसी ने ले ही आए हैं अव्वल तो यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रसाद हैं ये सारी चीज़ें जो हैं घर पे ही रखनी है। तो आप आइए, खाली आइए और खाली हाथ आकर माथा टेकिए, ताकि माता के जो दर्शन हो रहे हैं उनमें कोई दुविधा ना आए, उनमें कोई रुकावट ना आए, कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसी घटना यहाँ पर घटित हो जाए जिसके कारण दोबारा दरबार बंद कर दिए जाएं। तो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिए, थोड़ा सा सिर्फ माता के दर्शन करिए, ये देखिए कि माता आपको देख ले, समक्ष होकर देख ले, ये मत देख। हमें क्या निर्धारित किया गया श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर? समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, सुबह जो है 5 बजे मंदिर खुलेगा और शाम के 8 बजे तक प्रत्येक दिनों में इस तरह ही रहेगा। दिन में 1 घंटे का जो ब्रेक होता है वो 1 से 2 रहेगा, और मंगलवार भी 5 बजे ही खुलेगा, बाकी दिनों में 5 बजे लगा। जहाँ पे दर्शन करने का मेरे को बड़ा ही देर के बाद मुझे अच्छा लगा कि आज मेरे दर्शन हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। कितना लंबा इंतज़ार किया आज के? ये मैंने बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार किया। तो क्या कुछ खास मांगा है जम्मू कश्मीर के? मैंने बहुत कुछ मांगा है, मैंने यही मांगा कि अपने जम्मू में खुशहाली रहे, सब कुछ अच्छा रहे, और ये बीमारी है जो जल्दी से जल्द चले जाए। तो अगर यहाँ पर आना है तो तमाम दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा, और इसी तरह से पालन करना होगा जिस तरह से जम्मू कश्मीर सरकार ने बताया है, जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने बताया है, वो भारत सरकार ने बताया है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ पर आएंगे और तमाम दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, और हाँ, माँ के दर्शन करने की जो कोशिश थी आपकी पूरी होने वाली है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी, आपसे विदा लेती हूं, नमस्कार।